जनपद संभल की भैजोई कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे के अंदर अपहरण किए गए बच्चों को सकुशल बरामद करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में भैजोई कोतवाली पुलिस सर्विलांस व SOG द्वारा मुखबिर की सूचना पर 6 घंटे के अंदर मनौना गांव के जंगल में मुठभेड़ के बाद अपहरण किए गए बच्चों को सकुशल बरामद करते हुए 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। इस घटना का खुलासा करते पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने बताया कि भैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडनपुर से कल शाम एक 7 वर्षीय बच्चे को अपहरण कर लिए जाने की सूचना भैजोई कोतवाली को प्राप्त हुई थी, जिसमें 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी, जिसके खुलासे के लिए सर्विलांस SOG और कई थानों की पुलिस को लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को ग्राम मनौना के जंगल से गिरफ्तार किया गया तथा अपहरण के किए गए हिमांशु को भी 6 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया। इनके पास से 2 बाइक, 1 तमंचा, 4 कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 4 मोबाइल भी बरामद किए गए तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। भैजोई थाना क्षेत्र में कल शाम को एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चे के अपहरण की सूचना मिली, जिसमें ये हिमांशु बच्चा है, मंडनपुर थाना भैजोई का रहने वाला। इसके बारे में सूचना मिली कि इस बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और 6 लाख की फिरौती मांगी गई है। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और कई टीमें लगाई गई, इसमें सर्विलांस टीम, मैनुअल इंटेलिजेंस और थाने की टीमें कई तरीके से लगाई गई। इसमें पूरी घेराबंदी की गई, इसमें इंटेलिजेंस जो मैं टेक्निकल इंटेलिजेंस है उनका सहारा लिया गया और इस केस को क्रैक किया गया। इसमें 3 अपराधी पकड़े गए। जब इससे गहन पूछताछ हुई तो पता चला कि इसमें जो एक व्यक्ति है विनोद और उसका भाई गुड्डू, जो जरीफ नगर बदायूं के रहने वाले हैं, ये इनके रिश्ते में भी लगते हैं। इन लोगों ने देखा कि जब ये व्यक्ति जो है अपना एक गांव में घर है और उसके बाद बाहर एक और घर बनवा रहे थे, इस क्रम में इन्हें लगा कि ज़्यादा धनाढ्य हो गए हैं तो उससे इकलौते बच्चे का अपहरण कर लें और उससे 6 लाख की फिरौती मांगें। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद इनका एक भतीजा है उसको भी शामिल किया इसमें, जो विकास है उसको भी शामिल किया अपने प्लान में, और प्लान के तहत विनोद और विकास ये लोग बच्चे को आए और गाड़ी में बैठा करके ले गए और एक ट्यूबवेल पे रखा, वहाँ पे गुड्डू को उसकी हिफाजत करने के लिए रख दिया। बाद में गुड्डू ने इन बच्चे के पिता को फ़ोन किया कि आप पैसा तैयार रखिएगा और पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा। इन्होंने अपने प्रधान को बताया, प्रधान ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हम लोगों ने सादे कपड़ों में पुलिस लगाई, कई टीमें बनाई, इसमें पूरा एक नेटवर्क बनाया गया कि कैसे कैसे इन लोगों ने इसको ले जाके बच्चे को छुपाया है। वहाँ तक रात भर प्रयास किया गया, 6 घंटे के अंदर ही पूरी टीम लगा करके 6 घंटे के अंदर ही बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और जो अपहरणकर्ता हैं इसमें विनोद, गुड्डू और विकास, इन तीनों को भी पकड़ा गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल, तमंचे ये सब बरामद हुए हैं और बच्चा सकुशल है और उसको भी बरामद किया गया है। अभी इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।